सोमवार को उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने समूह गांव में भर्ती प्रक्रिया में स्थानीय युवकों को प्राथमिकता दिए जाने की मांग को लेकर राज्य सरकार पर दबाव बनाने की अगली रणनीति पर कार्य करना शुरू कर दिया है। संगठन ने सरकार से अपनी मांग दोहराई कि समूह गांव की भर्ती हेतु प्रदेश में रोजगार कार्यालय में पंजीकरण की आवश्यकता की अनिवार्यता को स्थापित करते हुए अविलंब एक ऑर्डिनेंस लेकर आए व आगामी विधानसभा सत्र तक संबंधित एक्ट भी लाए। मामले को लेकर संस्थान के विभिन्न नेताओं व संगठनों में भारी आक्रोश है। देखिए, मांगे जो हमारी फिलहाल तो सिर्फ एक मांग है कि प्रदेश सरकार जो अभी माननीय उच्च न्यायालय का फैसला आया है कि यहाँ पर सेवाजन कार्यालयों में पंजीकरण की बाध्यता को समाप्त कर दिया गया है। इससे क्या है कि समूह गांव में यहाँ के बच्चों को क्या है, उनके अवसर नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि बाहर का युवा यहाँ आके यदि फॉर्म फिल करता है तो यहाँ संभव है कि यहाँ वही सेलेक्ट होंगे। तो हमारी मांग है कि सरकार इस पर सुप्रीम कोर्ट ना जाकर इस पर अध्यादेश ले आए, क्योंकि हमने प्रचंड बहुमत दिया है और आगामी विधानसभा आने वाली विधानसभा में इसे एक एक्ट के रूप में बनाए। देखिए, यहाँ पर पूरा प्रदेश है और पूरे प्रदेश में आग फैल चुकी है, क्योंकि ये प्रदेश स्तरीय मामला है, यहाँ के प्रदेश हित के लिए ये मामला है। तो हमारे सारे जितना भी संगठन है वो अपने जिला स्तरीय कार्यकारिणी सभी जगह काम कर रही है, और यहाँ पर इसमें अभी बता दूँ तो 14 लाख एवं यहाँ पर सेवाजन कार्यालयों में बेरोजगार रजिस्टर्ड है, क्योंकि जो 9 लाख का 9.5 लाख तक का आंकड़ा आया था वो 2012 तक का था। अभी तक देखा जाए तो आपकी तरफ से कितने लोग यहाँ पे इकट्ठे हैं? देखिए, अभी तक हमें पूर्ण समर्थन मिल रहा है और आज भी हम पूरे देहरादून के कोचिंग संस्थानों में गए समर्थन लेने के लिए, और हमें वहाँ से भरपूर समर्थन मिल रहा है और हम एक जन सैलाब खड़ा कर देंगे और अपनी मांग को मनवा कर रहे हैं। तो अभी किसी अधिकारी या किसी से आपकी बात नहीं मंत्री से? नहीं, वैसे वार्ता तो हुई नहीं, हमने मुख्यमंत्री आवास कूच किया था, वहाँ से हमें जबरदस्ती उठा के जेल भेज दिया गया था, सुधुवाला ले गए थे। तो अगर नहीं आपकी मांग जल्दी पूरी होती तो क्या उग्र आंदोलन? देखिए, बिल्कुल उग्र आंदोलन होगा, और अभी 15 जनवरी को आने वाले नरेंद्र मोदी की जो यहाँ पर देहरादून में रैली होने वाली है, हम उसमें कुछ तकड़ाई करेंगे, काले झंडे भी दिखाएंगे और भरपूर विरोध करेंगे। हमारी मांगे उत्तराखंड सरकार से है कि राज्य सरकार अध्यादेश लाए ताकि युवाओं को, स्थानीय युवाओं को ही नौकरी मिले, बाहरी लोगों की भर्ती में रोक लगे और सेवा योजन कार्यालय में पंजीकरण होना अनिवार्य होना चाहिए। ये पिछले कुछ समय से हाईकोर्ट का आदेश आया, हम कहते हैं सरकार इसकी पैरवी करे और राज्य सरकार युवाओं के और ध्यान दे। तकरीबन हम 4-5 दिन से यहाँ पर बैठे हुए हैं, लगातार यहाँ पर जनसमूह लगातार बढ़ रहा है और युवाओं को आक्रोश बढ़ रहा है, और ये आक्रोश इतना बढ़ गया है सभी जगह पहुँच चुका है, सभी जगह से, सभी जिलों से, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा से और पूरे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों से मुझे समर्थन मिल रहा है, और हम चाहेंगे ये अध्यादेश लाए और युवाओं के प्रति अपनी संवेदनता दिखाए, नहीं तो सरकार के विरुद्ध हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद। हेलो उत्तराखंड न्यूज के लिए देहरादून से हरीश शर्मा की रिपोर्ट।